वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम श्रेया। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरा रोज़ का प्लांट है और इसमें देखिए न्यू शूट्स निकल रही हैं। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, इसमें लीव्स निकल भी गई थी, बट ये जो इस समय लीव्स इसमें नहीं है क्योंकि जो बंदर का बहुत ही बुरा इसमें असर हुआ है। बंदर आया और इसके सारे लीव्स खा गया। आपको पता ही होगा कि गुलाब उसे कितना पसंद होता है, तो चलिए वो तो हम कुछ उसमें हम नहीं कर सकते हैं। बट देखिए इसमें सारे न्यू न्यू लीव्स निकल रही हैं, बट अभी इतना स्पीड में नहीं निकल रही हैं क्योंकि ये देखिए ये जो नीचे का ये जो होता है ना, ये एक तरह का जंगली होता है। क्योंकि ये एक तरह से ये मेरा इंग्लिश रोज़ है, तो ये जो एक नॉर्मल वाला रोज़ होता है उसमें एयर लेयरिंग करके या जो भी करके ये देख सकते हैं हम, यहीं से कुछ हुआ होगा तो इस ये मतलब प्लांट बनता है जो इंग्लिश रोज़ होता है। तो इसमें जो है बहुत ही अच्छी कली वली सब निकल गई थी, बट बंदर ने ख़राब कर दिया। तो इस समय चल रहा है फरवरी, तो हमें जो है इस समय अपने जितने भी प्लांट हैं उनको प्रून कर देना चाहिए, भले ही बहुत अच्छे रहें तो भी। लेकिन ये देखिए इसमें प्रून मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, मेरा प्लांट एकदम एक बराबर है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सब में जितने भी हैं सब में रेड 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 लीव्स निकल रही हैं, न्यू न्यू शूट्स निकल रहे हैं। तो इस समय मैं मतलब आपको ये बता रही हूँ कि अब फरवरी में हमें जितने भी हमारे पास प्लांट होते हैं उनको हमें प्रून कर देना चाहिए, हार्ड प्रून सॉफ्ट प्रून जैसे भी कर देना चाहिए। और मैं गुलाब में मुझे करना था तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, ये जो है ये इसमें आप ये लीव्स, इसकी लीव्स और इसकी लीव्स में आप फ़र्क देख सकते हैं कितना ये बड़ा है और मतलब ये छोटा है और ये देखिए कितना मतलब अच्छा खासा बड़ा है। तो ये जो है इसमें से जो है फ्लावर नहीं निकलेंगे, ये एक तरह का इसका जो जितना भी वो होता है ना कि जितने भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ भी डालूँ तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ऊपर तक नहीं जाने देगा, तो इसलिए हमको इसको कट करना है। और भी मेरे पास जो प्लांट है उसको भी हमें मतलब मुझे प्रून करना है। इसलिए करना है क्योंकि फरवरी आ गई है और हमारे जो प्लांट है उनकी ग्रोथ इस समय बहुत ही हाई होती है, और हम जितने अच्छे से उनको प्रून करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। और फ्लावर वाला अगर प्लांट है तो वो फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से करेगा, और अगर वो नॉर्मल लीफी प्लांट है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वो बुशी हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं ये मेरा क्रोटन का है ये दोनों, तो इन सबको भी मुझे प्रून करना है, हार्ड प्रून ही करना है। बट मैं वो इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, वो अलग वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें आपको बस ये बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रून करना है। अगर आपके भी कोई ऐसा रोज़ का प्लांट है या मुझे बेला का प्लांट है उसको भी प्रून करना है, उसमें फ्लावरिंग अभी हो नहीं रही है, तो आप मैं दिखा सकती हूँ ये ग्रीन वाला जो है बड़े पत्तों का लीफ वो बेला का है। तो इसको चलिए मैं जो है इसको कट करती हूँ। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए न्यू न्यू इसमें निकल गया है, तो ये इसमें से मुझे बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं मिलने वाली है। तो मैं जो है इसको ऐसे मैंने पिछले साल भी किया था, तो इसको जब है मैं कट कर लूँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई जब फ्लावर मिलेगा ही नहीं तो मैं इसको क्यों रखूँ। तो ऐसे से मैं ये देखिए कट करती जा रही हूँ। ऐसे ही आपके पास भी कोई फ्लावर हो, स्पेशली जो गुलाब होता है, गुलाब को हमको ऐसे ही कट कर देना है जिससे कि जितने भी जो पोषण होता है ना वो ऊपर चल जाएगा। और ये जब मेरा ऊपर इसमें लीफ निकल गए थे तो यहाँ पे बिल्कुल भी एकदम डंडी बची हुई थी, कुछ था ही नहीं, बट अब ऊपर जब से वो बंदर ने उसको खाया है तब से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही घना होते जा रहा है। तो देखिए ऐसे ही हम इसको सारे काट देंगे। ये देखिए मैंने इसको एकदम इसमें लीफ मैंने बचने ही नहीं दिया है, बट ये मैं डंडी को नहीं काटूंगी क्योंकि वहाँ से जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो होने का डर ज़्यादा रहता है। ये जो थोड़ी नाजुक नाजुक थी जो डंडियाँ थी उसको मैंने कट कर दिया है, और अगर फिर यहाँ से लीव्स निकलेंगी तो मैं उसको फिर हटा दूँगी। अब जो है ये मेरा जितना भी ये प्लांट है अब जितने भी जो पोषण होता है फर्टिलाइज़र का वो ऊपर जाएगा, ये यहीं पे नहीं ले लेगा, क्योंकि ऊपर जो है आपको दिख रहा है शूट्स हैं तो वहाँ पे वो जल्दी से सारे जो होते हैं पोषण को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये डंडी वैसे भी ये बेकारी होती है। तो चलिए मैं आपको दूसरे अपने प्लांट पर ले जाती हूँ। ये देखिए ये मेरा बेला का प्लांट है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है, बट ये है कि मैं इसको प्रून करूँगी, जब प्रून करूँगी तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, और ब्रांचेस आएंगे तो मुझे बहुत ही ढेरों उसमें फ्लावरिंग होगी। और इसमें एक बात और है, जितनी भी ये जो मैं कट करूँगी उसको मैं इसी में लगा दूँगी जिससे कि ये जो मेरा ये पौधा है बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा, और जितना बुशी होगा उसमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये देखिए मैं ये जो है इसको थोड़ा थोड़ा मतलब एक नॉर्मल सा एक हाइट पर इसको मैं ऐसे कट करूँगी, और मुझे डंडी भी मिलती चली जाएगी तो मैं उसको गाड़ दूँगी, थोड़ा तो हार्ड हो गया है। और ये देखिए यहाँ से मैं पत्तियों के ऊपर से इसको कट कर दे रही हूँ।
और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं इसको कट कर दे रही हूँ। फिर उसको देखिए बहुत छोटा नहीं करना है मुझे, लेकिन ये है कि हाँ मतलब पत्तियों के ऊपर से मैं कट करूँगी। ये देखिए जितने भी है मैं उसको काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कैसे लगा रही हूँ। ये देखिए मुझे इतनी सारी इसकी ये कटिंग मिल गई है, और आप मानेंगे नहीं कि ये इसको मैंने इसमें बहुत सारे जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने इसमें ऐसी मैंने कटिंग की थी और फिर उसके बाद मैंने प्रूनिंग कर दी थी, फिर ये एक्स्ट्रा ये आप फेंक सकते हैं, बट मैंने फेंका नहीं था, इसको ही मैंने इसमें फिर से गाड़ दिया था। और फरवरी का ही मंथ था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो मतलब उसमें मतलब रूटिंग हो गई थी, वो अच्छे से ग्रो हो गया था, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। तो मैं अब की फिर से वही करूँगी इसमें, जैसे कि जिसमें ज़्यादा लीव्स हैं तो उसमें से लीव्स बस निकाल निकाल के ऊपर ऊपर के लीव्स मैं रख दूँगी और मैं सबको इसमें गाड़ दूँगी। कुछ भी नहीं मुझे मतलब कोई रूटिंग हार्मोन नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे गाड़ दूँगी वो लग जाता है। तो मैं अभी इसके सारे लीव्स निकाल के जब गाड़ूँगी तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने ये सारी लीव्स को अलग कर लिए हैं और इसमें जो है सिर्फ ऊपर ऊपर की दो लीव्स को मैंने बचा के रखा है। पिछली बार मेरे पास जो उसकी लीव्स ही ख़राब हो गई थी तो मैंने सिर्फ डंडियों को ही गाड़ दिया था, वो भी लग गया था, लेकिन अब की मेरे पास लीव्स भी है तो मैं लीव्स के साथ ही लगा दूँगी। थोड़ा ये होता है ना कि ये खाना बनाने में ये हेल्प करता है तो कटिंग बची रहेगी, बट पत्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। तो मैं इसमें जो है ऐसे थोड़ा बीच में लगाने की कोशिश करूँगी ताकि वो अच्छा मतलब लुक दे मेरे प्लांट को। तो मैं ऐसे एक जगह पर ऐसे गड्ढा कर दे रही हूँ और दो तीन जो कटिंग है वो एक एक साथ में लगा दूँगी। ये देखिए ये मेरी है कटिंग, ये मेरी देखिए ये मैंने तीन कटिंग को लिया और इसमें मैंने इसको लगा दिया और मैं इसमें से मिट्टी ऐसे इसको ढक दूँगी। तो ऐसे ही आप जो है अपने प्लांट को प्रून करिए। ये तो मैंने मुझे ये इसमें ये नहीं बताना था कि आप कैसे प्रोपोगेट करें या कैसे आप कटिंग लगा दें, मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि फरवरी मंथ है और आप जितने भी आपके जो प्लांट हैं टेढ़े मेढ़े हुए हैं शेपलेस हैं उनको शेप में ले आइए, प्रूनिंग कर दीजिए, जो कटिंग आप लगा सकते हैं कटिंग बिना किसी रूटिंग हार्मोन के बस लगा दीजिए, रूटिंग हार्मोन हो लगा दीजिए। मैंने हमेशा आपको शेयर किया है कि शहद लगाइए रूटिंग हार्मोन के रूप में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और दालचीनी का पाउडर लगाइए, मैं हमेशा लगाती हूँ, आप मेरे वीडियोस को देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं प्लांट। तो ऐसे ही आप अपने जितने भी, मुझे तो ये दोनों को ही करना था तो मैंने यह बता दिया कि कैसे हम प्रोन कर सकते हैं अपने प्लांट को। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर करिए, फरवरी मंथ का मिड आने ही वाला है तो आप मीन्स आ ही चुका है, फरवरी का जो मिड है वो आ चुका है और फरवरी में ही आप ज़रूर से ज़रूर कर ले ताकि फरवरी ख़त्म होते होते इसमें से जो है वो रूट डेवलप हो जाए और प्लांट आपका बुशी होने लगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।